19 में आप एक नारा दिए थे नया महागामा का, तो उस हिसाब से महागामा के लिए क्या हो पाया? इसे अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ कि महागामा में पुराने नए महागामा में पुराने महागामा की तरह जो एक नफरत का जहर खोलने का जो प्रयास हुआ था धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उस पर काफ़ी नियंत्रण हो चुका है। कोटा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वह कहें कि अब से लेकर चुनाव तक वो यहीं रहेंगे और 18 के 18 सीट जो संथाल परगना का है वो बीजेपी के झोली में देंगे। बीजेपी के जो चुनाव सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं जो लीड कर रहे हैं, उनका मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ही है और वो अभी हुसैनाबाद में बोल रहे थे कि लात मारकर भगाएंगे, डेमोग्राफी चेंज हो गया, खास करके इन इलाकों में बरेड, राजमहल, महागामा, कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों की संख्या जो है अचानक से उसमें इजाफा हो गया। आप ये फील कर पा रही हैं कि सचमुच में ऐसा हो गया? और हेमंत बिश्व शर्मा को यहाँ हम लोगों से सवाल करने के बजाय यहाँ के माहौल को ख़राब करने के पहले अपना राज्य देखना चाहिए और मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वे सवाल उन्हें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। अगर इस तरह की बातें करते हैं तो पहले कुछ करना चाहिए फिर आकर के बातें बनानी चाहिए। आसाम में क्या हो रहा है, आसाम के बारे में क्यों नहीं बात करते? बरही के विधायक हैं उमा शंकर अकेला, कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, आज सुबह वह सपा में शामिल हो गए। सपा में शामिल होते ही कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि टिकट देने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। अभी फिर से अगर जनता मौका देती तो क्या प्रायोरिटी में है महागामा के लिए? अब तो चूंकि मंत्री हैं उस हिसाब से स्टेट के लिए भी पूछना होगा। अशोक भगत को कितना मजबूत दावेदार मान रही हैं आप, खुद को चुनौती के रूप में ले रही हैं या लग रहा है कि नहीं वो आ गए तो आसान है? महागामा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और उसके बाद अब जनता के बीच लगातार बनने जा रही हैं, हालांकि पहले से ही जनता के बीच लगातार बनी हुई हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं दीपिका जी। 2019 के चुनाव में 12,800 कुछ वोट से आप जीते थे, 19 से 24 में क्या अंतर दिख रहा है तब जबकि आपके सामने वही उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने फिर से अशोक भगत को ही उम्मीदवार बनाया? देखिए, आप अभी कह रहे थे कि जनता के बीच है, तो मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग रोज़ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। लगातार 5 साल तक हम लोग लोगों के बीच में रहे, उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों को भी पूरा करने का कोशिश किया, रात के 12 बजे भी फ़ोन उठाए, सुबह के 5 बजे भी किसी के मेडिकल इमरजेंसी को हम लोगों ने अटेंड किया। कोविड के समय भी हम लोग जनता के बीच रहे, अस्पतालों में गए, शमशानों में गए, कब्रिस्तानों में गए कि जब अपने लोगों का ध्यान नहीं दे रहे थे तब हम लोगों के बीच थे। और पिछले बार से लेकर अब तक मुझे लगता है कि जो कुछ भी बदला है वो हम लोगों के पक्ष में बदला है। जनता आम बुनियादी चीज़ों से जैसे जूझ रही थी, हम लोग पिछले कैंपेन में जाते थे तो हमारे पास कम से कम 100 बुज़ुर्ग आते थे कि हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन सरकार से चाहिए, इन सब चीज़ों पर। आज हमारे पास कोई बुज़ुर्ग आकर ये नहीं शिकायत करता है कि उसका पेंशन नहीं मिल रहा, उसको अब अगर उन्हें कुछ चाहिए तो एक नए मांग के साथ आते हैं। तो जो बुनियादी चीज़ें थी उसको लेकर के मुझे लगता है काफ़ी सुधार हम लोगों ने 5 साल में किया है, चाहे वो सड़क हो, सिंचाई हो, सर्जन पेंशन जैसी योजना से लाभ हुआ, कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिसके लिए जनता कभी उम्मीद ही नहीं कर सकती थी कि आमजनों का जीवन इस प्रकार से आसान कर दिया जाएगा। उसमें मैया सम्मान, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त या उनको उस शक्ति से जोड़ने का एक प्रयास है, साथ ही साथ ये जो बिजली बिल माफ़ी, जो बकाया माफ़ी की योजना है, उससे आप पता कर लीजिए गांव में बहुत उत्साह है। और कर्ज के बोझ से जो दबाव महसूस करते थे जो हमारे ग्रामीण, उससे वो बहुत अपने आप को बहुत सुकून और शांति में पा रहे हैं कि अब उन्हें कोई भय नहीं है कि उनका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। साथ ही साथ अब आगे 200 यूनिट फ्री मिलना है, तो जो ग्रामीण है उनकी जो ज़रूरत है 200 यूनिट से कम है, तो वो इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि परिवार पर एक जो बड़ा बोझ बिजली बिल का रहता था वो उनके सर से हट गया है। और साथ ही साथ बिजली की जो व्यवस्था है उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सुधार करवाया है। 14 घंटे बिजली इस इलाके में रहता था, हम लोग प्रयास करके 20 से 22 तक लेके आए हैं। ट्रांसफार्मर्स 2-2 महीने तक नहीं मिलना, पैसे दो तब मिलना, इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने बदला। 700 ट्रांसफार्मर्स मैंने सिर्फ अपने क्षेत्र में लगवाए हैं, जिसमें 450 नया था ताकि जो लोड है वो शेयर हो सके। बार बार ट्रांसफार्मर्स के उड़ने से बिजली बाधित हो जाती थी। राज्य सरकार महंगी बिजली खरीद करके सब्सिडाइज रेट पर ग्रामीणों को दे रही थी, लेकिन वो बिजली रह नहीं पाता था क्योंकि यहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो संरचना है वो सही नहीं थी। उसको हम लोगों ने सुधारने का प्रयास किया है, 350 पुराने रिपेयर होकर के आए।
गोड्डा में अगर कोई ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था तो वो देवघर जाता था बनने, हम लोगों ने उसको गोड्डा में ही बनवाने का की शुरुआत कराई है। और सरकार की बिजली से जुड़ी एक और महत्वाकांक्षी योजना पास हो चुकी है और उस पर काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि चुनाव के पहले वो लागू नहीं हो पाया तो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन आप आने वाले 2 से 3 महीने में जो बिजली की उज्ज्वला योजना है उससे जितने पुराने जर्जर पोल तार और ट्रांसफार्मर्स की कमी या देरी जो होती थी वो 24 घंटे के अंदर उसको सुधारने का की व्यवस्था की है ना, सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट इसके लिए एलोकेट किया है। 19 में आप एक नारा दिए थे नया महगामा का, तो उस हिसाब से महगामा के लिए क्या हो पाया? देखिए, नया महगामा जब हमने नारा दिया तो मुझे लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट उसमें अगर है तो ये है कि हम सब लोग अब सभी मिलजुल करके बहुत शांति और सुकून से नए महगामा में रह रहे हैं, बिना मतलब के दंगे फसाद केस मुकदमा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, इस पर बहुत नियंत्रण हुआ। ये मैं अकेले नहीं कर पाई हूँ, हमारे यहाँ रहने वाले जो मुख्य जो भी समुदाय के लोग हैं आपस में मिल करके फिर अपने त्यौहार साथ में मना रहे हैं। मुझे लगता है मैं बाकी अन्य चीज़ों से ज़्यादा इसे अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ कि महगामा में पुराने नए महगामा में पुराने महगामा की तरह जो एक नफरत का जहर खोलने का जो प्रयास हुआ था धर्म के नाम पर जाति के नाम पर उस पर काफ़ी नियंत्रण हो चुका है। इसके अलावा बहुत बुनियादी चीज़ों से जनता को जो संघर्ष करना पड़ता था उन चीज़ों में फ़र्क आपको महगामा में अवश्य दिखेगा। हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल महगामा अनुमंडल अस्पताल जो अब आगे होने वाला है वो बन करके तैयार है। 300 बेड का अस्पताल जो 13 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा था उसका काम हम लोग शुरू करा पाए। ये कोविड ने इन सब चीज़ों को प्राथमिकता पर लाने का प्रेरणा कोविड से किस स्थिति से हुआ, तो ये स्वास्थ्य को लेकर के था। शिक्षा को लेकर एक डिग्री कॉलेज बन रहा था उसमें हम लोगों ने पढ़ाई इस सत्र से शुरू करवा दिए। 1 साल राजभवन के साथ जद्दोजहद के बाद जो है वो कोर्सेज यहाँ शुरू हुई। भवन बन करके तैयार होने के बावजूद भी जो इश्यूज़ राजभवन के साथ थे उसको हम लोगों ने ख़त्म किया और एक नया डिग्री कॉलेज, एक ही विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज होंगे, यहाँ के आसपास के बच्चों को दूर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा। आज कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई हो रही है, जल्द ही इसमें साइंस लॉ और क्योंकि 300 बेड अस्पताल हमें मिल गया, मेडिकल कॉलेज भी मिलना आसान है, इंजीनियरिंग ITI और अन्य वोकेशनल कोर्सेज, ताकि हमारे बच्चे यहाँ जो जिस तरह का माहौल है उन सब चीज़ों को और आगे सीख करके यहीं पर आसपास के चीज़ों में रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सकें। ये हमारे नए महगामा के स्वरूप में लोगों के बीच है। 3 महीना पहले मंत्री भी बनी, उसका फायदा मिला महगामा को? बिल्कुल, महगामा के लोग बहुत गौरवान्वित महसूस किए। मुझे नहीं एहसास था कि हमारे मंत्रालय से हमारे महगामा के जो परिवारवासी हैं वो इतना खुश होंगे। उनका कहना था कि 30 साल के बाद जो है, जब इसके पहले हमारे ससुर जी मंत्री रहे तब वो झारखंड बिहार एक साथ था, झारखंड बनने के बाद पहली बार जो है मंत्री सौभाग्य महगामा को मुझे और मेरे माध्यम से मिला। मेरे यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। अशोक भगत को कितना मजबूत दावेदार मान रही हैं आप, खुद को चुनौती के रूप में ले रही हैं या लग रहा है कि नहीं वो आ गए तो आसान हो गया? देखिए, मैं विपक्ष को कभी अंडरमाइन नहीं करती, मैं विपक्ष का सम्मान भी करती हूँ कि कई सारी चीज़ें जो विपक्ष के माध्यम से आती हैं वो सत्ता को काम करने के लिए प्रेरणा भी दे सकती है। तो मैंने हमेशा एक क्रिटिसिज्म या ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट किया है और कभी कम भी आंकने का प्रयास नहीं किया। भाजपा के प्रत्याशी हैं वो, भाजपा चुनाव मैनेजमेंट में चुनाव जीतने में महारत आपको मालूम है उन्हें, जिस भी तरह से हो सत्ता में रहें इन सब चीज़ों से ओत प्रोत हैं। तो मैं 5 साल हमने काम किया है, मुझे पूरा भरोसा है। पिछले इलेक्शन में मेरे पास मेरा कोई काम नहीं था बताने को, आज जनता के बीच आप जाइए वो हमारे काम को बताते हैं। तो ये सब पॉजिटिव तो हमारे साथ हुआ है, लेकिन चुनाव में कभी नॉन सीरियस हो करके नहीं, चुनाव को मैं बहुत गंभीरता से ले रही हूँ और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बीजेपी के जो चुनाव सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं जो लीड कर रहे हैं, उनका मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ही है, और वो अभी हुसैनाबाद में बोल रहे थे कि लात मारकर भगाएंगे, डेमोग्राफी चेंज हो गया, खास करके इन इलाकों में बरेड राजमहल महगामा, कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों की संख्या जो है अचानक से उसमें इजाफा हो गया। आप ये फील कर पा रही हैं कि सचमुच में ऐसा हो गया? मैं यही कहना चाहूँगी, हेमंत जी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो पहले कुछ करना चाहिए फिर आकर के बातें बनानी चाहिए।
आसाम में क्या हो रहा है, आसाम के बारे में क्यों नहीं बात करते। और अगर कहीं से घुसपैठिए आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी देशवासी इसको अच्छा नहीं मानेगा। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि हमें शरण देना पड़े, तो भाई हमारा देश तो दिल बड़ा करके इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कर दिया, तो अगर कहीं से कोई आना चाहता था, संरक्षण चाहता है, हम बड़ा दिल दिखा करके कई बार शरणार्थियों को एक्सेप्ट भी किए हैं। लेकिन उस विपरीत उस परिस्थिति को छोड़ दें अगर आप, तो जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की नहीं है। हमारा झारखंड कहीं भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता। हम हर तरफ से अपने देश के ही राज्यों से घिरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है। तो इन राज्यों से होकर ही घुसपैठिए आ रहे होंगे, वो हवाई जहाज़ से तो नहीं आ रहे विदेशों से, वो जहाज़ से तो नहीं चले आ रहे विदेशों से, वो रेल मार्ग से भी हमारे यहाँ नहीं पहुँच सकते जब तक वो किसी अन्य राज्य को ना पार करें। तो ये 100% केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए, अमित शाह को जवाब देना चाहिए, और हिमंत बिश्व शर्मा को यहाँ हम लोगों से सवाल करने के बजाय, यहाँ के माहौल को ख़राब करने के पहले अपना राज्य देखना चाहिए। और मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, वे सवाल उन्हें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। अभी फिर से अगर जनता मौका देती तो क्या प्रायोरिटी में है महागामा के लिए? अब तो चूँकि मंत्री हैं, उस हिसाब से स्टेट के लिए भी पूछना होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं पहले महागामा के बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहीं के लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया कि हमारी पार्टी या महागठबंधन मुझे मंत्री बना सके। हम अगर विधायक ही नहीं बनते तो ये मंत्रालय और ये सब चीज़ें होती ही नहीं। तो मैं सबसे पहले महागामा को लेकर के जवाब देना चाहूँगी कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ज़रूरतों पर तो काम किए हैं, जल, बिजली, पानी, सभी पर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि युवाओं के रोज़गार के अवसर और शिक्षा के अवसर हमें और बढ़ाने हैं। शिक्षा, आज डिग्री कॉलेजेस तो शुरू हो गई यहाँ के युवाओं के मांग, लेकिन मुझे उससे सिर्फ तसल्ली नहीं है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ की पढ़ाई हो, चाहे वोकेशनल कोर्सेज हो, टेक्सटाइल हैंडलूम, क्योंकि हमारे यहाँ भगैया भी है, यहाँ पे सिल्क बनाने का काम होता है, तो टेक्सटाइल हैंडलूम जैसी चीज़ों का, चाहे फिर सर्विस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, टूरिज़्म में काफ़ी स्कोप है यहाँ के बच्चों को सर्विस इंडस्ट्री में जाने का। तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ हो, यहाँ पे भी वैसे रोज़गार के अवसर क्रिएट हो। हम टेक्सटाइल और हैंडलूम से जुड़ी हुई चीज़ों को भगैया में, ठाकुरगंज टी में से शुरू कर सकते हैं। कृषि आधारित राइस मिल हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे यहाँ धान और आम की खेती बहुत होती है, सब्ज़ी उगाए जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, या हम लोग ऐसा एक मार्केट यहाँ क्रिएट करें कि यहाँ के लोकल बच्चों को यहीं अवसर मिले। बाहर जाके काम करना एक ऑप्शन होना चाहिए, मतलब वो अगर अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से, अपने बेहतर अवसर के तलाश में महगामा से जा कर के बम्बई, दिल्ली या विदेशों में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी यहाँ महगामा में हो, और वो चॉइस होना चाहिए उनके पास कि हम बाहर काम करना चाहते हैं। और अगर हम महगामा में ही काम करना चाहते हैं, तो ऐसे अवसर हम अपने युवाओं को यहाँ दिला सकें, ये मेरे अगले 5 साल के प्राथमिकता में है, उस पर ही मैं काम करूँगी। गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वह कहें कि अब से लेकर चुनाव तक वो यहीं रहेंगे और 18 के 18 सीट जो संथाल परगना का है वो बीजेपी के झोली में देंगे। भाई वो भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सिर्फ चुनाव में नहीं, अन्य दिनों में भी आकर के जनता की सेवा करना चाहिए। थैंक यू। ये बरही के विधायक हैं उमा शंकर अकेला, कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, आज सुबह वह सपा में शामिल हो गए। सपा में शामिल होते ही कांग्रेस पर एक बबड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि टिकट देने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। नहीं, मैं उमा शंकर जी मेरे साथ ही विधायक रहे हैं, मैं इस तरह की बात तो उनसे उम्मीद नहीं करती हूँ, लेकिन पार्टी ने कुछ सोचा होगा और इस तरह के निर्णय लिए हैं। लेकिन अब वो सपा में भी चले गए हैं, तो मैं उनको शुभकामना देना चाहती हूँ, लेकिन अनर्गल आरोप लगाना ये कतई सही नहीं है। आप जब तक उस परिवार में हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, और एक बार आप बाहर निकलते हैं तो गलत बोलना शुरू कर दें। उमा शंकर जी को जब पार्टी ने मौका दिया तब वो विधायक बन करके आए थे, तो इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए और अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। The followup.in लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in